किसको डरा रहे हो? तुझे। अच्छा, तो आज हम जा रहे हैं किसी से मिलने, तो चले चलते हैं। और अभी हम फिलहाल यहाँ ऑटो का वेट कर रहे हैं, और इधर साथ में गौ माता भी हैं। किससे मिलने जा रहे हैं? हैं समवन स्पेशल, जो कि बहुत ही टाइम से हमें बुला रहा है। हमें yes. नहीं, सॉरी आपको। हाँ, मुझे बुला रहे हैं। तो फाइनली ऑटो आ चुका है। और भैया डांटेगा। हाय हाय लिया, किसने सही से? फैमिली अभी तक हम चले हुए हैं और पहुँचे नहीं हैं, तो आज मेरी जो है उनके साथ फर्स्ट मीटिंग होगी, तो देखते हैं क्या बनता है। बहुत टाइम से वो वेट कर रहे थे, तो चलिए आज मिलते हैं उनसे। मुझे भी बड़ा अच्छा लगेगा उनसे फर्स्ट टाइम मिल के। तो तैयार हो आप भी? और क्या, सेम सूट तो दिखा। हाँ, सूट जो है हमने ये सेम डाला है दोनों का, ट्विनिंग करी हुई है हमने, तो जो है साथ में सेम बन के जो है चले हुए हैं उधर। तो चलिए चलते हैं, और फिलहाल के लिए अभी ऑटो वाले दिया जो है पेट्रोल पम्प से पेट्रोल भरवा रहे हैं। और बड़े ज़माने के बाद जो है आज मैं ऑटो पर बैठी हूँ, क्योंकि हम जलंधर गए हुए थे ना, तो मैं तभी बैठी हुई थी ऑटो पे। तो आज एक साल बाद, फिर से एक दो साल बाद जो है ऑटो पे बैठी हुई हूँ। तो चलिए चलते हैं और इस ब्लॉग को भी स्टार्ट करते हैं। आगे देखते हैं क्या होता है, क्या रिएक्शन रहता है उनके, उनका फर्स्ट टाइम मुझे देख के, है ना। उसको भी कैप्चर करते हैं। और क्या बोल रहे हो? चलो पहले चलते हैं उनसे मिलते हैं, उनका जो फर्स्ट रिएक्शन है क्या रहता है मुझे देख के, तो उसको भी कैप्चर करेंगे। तो आप बताओगे किससे मिलने वाले हैं? मैं मिलने वाली हूँ रोहित से, बड़े टाइम के बाद वो वेट कर रहे थे मेरा उनके साथ मिलने के लिए। तो अभी चलते हैं रोहित से मिलते हैं जल्दी से, और इस ब्लॉग को भी स्टार्ट करते हैं। और फोटो खींचने का जो चढ़ा हुआ है सूट एकदम बढ़िया लग रहे हैं हमारे मस्त वाले। तो अभी फिलहाल के लिए वहाँ चलते हैं, वहाँ पहुँचते हैं, और आपको रास्ता भी दिखाते हैं कि कैसा कैसा रास्ता है, कैसी जगह है। मैं भी फर्स्ट टाइम जाऊँगी वहाँ पे। तो अभी फिलहाल के लिए स्टॉप कर रही थी, मैंने बहुत बोल दिया। आई होप आपको सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि ऑटो की आवाज़ आ रही है गड़ 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 गड़। तो चलिए, अच्छा आप बताओगे किससे मिलने जा रहे हैं, कौन लगते हैं वो आपके? मेरे चाचू का लड़का है। हाँ जी, आपका बहुत बड़ा फैन है। अच्छा, तो आज जाएंगे उनसे मिलने। उन्होंने मैं रोहित ने मुझे स्पेशली इनवाइट करा है कि भाई आप आओ आओ आओ, बड़े टाइम से है ना, एक साल से जब से वो है बुलाए जा रहे हैं कि आओ आओ, उनको टाइम हो गया है। तो चलिए मैंने सोचा आज उनको जो है सरप्राइज दे के आते हैं, तो उनका रिएक्शन भी कैप्चर करेंगे, देखते हैं कैसा रहता है। गॉड ब्लेस यू। नमस्ते नानी जी। नमस्ते चाची जी। नमस्ते। और ठीक हो? ठीक है ना। और भी शुभ रात्रि। तू भाई जो कि बड़े दिनों से बुला रहे थे। तो कैसा लग रहा है फिर मिलके, बताओ इधर। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। शर्मा क्यों रहे? देख इधर है। शर्मा बंद ना, बोल बोलो कुछ। क्या शर्मीले टाइप का थोड़ा। हाँ कुछ भी। कैसा रहा? बढ़िया एकदम। इधर देख के। चलो इधर हेलो कर दो यूट्यूब फैमिली को। ठीक है, तो अभी फिलहाल ये शर्मा रहे हैं ना, तो अभी इनको थोड़ा मुचकड़ा देते हैं। सारा एरिया आपका है? कितना कर ये सारा ही? तो ये आसपास का तो आपने लगाया क्या है यहाँ पे? दान है। चावल। अच्छा, चावल चावल का बिजनेस। क्यों? हाँ, ये किसकी है? ये रोहित आपकी है? हाँ, हमारी है, पर पी किसी और ने। अच्छा, तो इनके घर में नवाला था ना, तो बस वही जो है यात्रीगण आए हुए थे टुन नोकर इधर नाचने, और इधर नीचे भी है संभाल के रखा है। तब बढ़िया है। तो कब तक लग जाएंगे चावल इधर?
बस अभी पकने बाकी है। अच्छा तो कब निकाल लोगे फिर, किस मंथ तक? सितंबर? अभी अक्टूबर में। अक्टूबर में, अक्टूबर लास्ट में तब बस निसर रहे हैं ना। अच्छा अच्छा अच्छा, तब ठीक। तो लगाए कब थे ये? ये लगाए थे जुलाई में। जुलाई में ये लगाए थे, 10-11 जुलाई को। अच्छा अच्छा अच्छा, तब ठीक है। मैंने और काजल ने। अच्छा काजू ने, रमन। ठीक ठीक ठीक। तो ये कुछ इस हिसाब से एरिया है ये, और इन्होंने यहाँ पे कुछ रखा हुआ है, तो इसके बारे में भी बताओ। ये जो नवाले के बच्चे चावल थे ना, तो ये सुखाने के लिए रखे हैं ताकि गाय को जो है ये ख़राब ना लगे, है ना? तो ये और वेस्ट भी ना हो और गाय को भी खिला सके ये, है ना? ख़राब चीज़ भी नहीं देनी गाय को। तो अभी फ़िलहाल के लिए धूप भी नहीं लगी है, बट फिर भी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे। क्यों? मेरे वहाँ चलना ना, वहाँ पे गर्मी होती नहीं, ज़रा भी नहीं होगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए नीचे चलते हैं। चलो फिर, चलो आगे चलो। यहाँ पे डंबल बनाए हैं देसी। हाँ तो ये उठाएगा। हाँ तो जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। एक करके दिखाना ये है। हाँ आप दिखाओ। हाँ एकदम सही है। तब तो जिम जाने की ज़रूरत नहीं है ना, घर में देसी जुगाड़ किया है इन्होंने इधर। ये मैं दिखाती हूँ क्या किया है। पीपे वेट बताओ इसका कितना? कितने वेट? 60 kg वेट है। सच्ची की झूठा है? लगभग। अच्छा लगभग हो सकता है, हो सकता है। 50 भी नहीं हुआ तो 45-40 तक तो है ही है ये। कर दो ऐसे, हेलो है ऐसे 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 यू दोगली चेयर। नींबू का बूटा लगा है बहुत ही बड़ा वाला एकदम। नींबू तोड़ रहे हैं, तो अभी नींबू तोड़ने आए हम गाइस। तो चलिए साथ में हेल्प करते हैं रोहित की इधर। नानी भी एक जगह नहीं बैठ सकती। नानी भी हमारे साथ आ रहे हैं, नींबू तोड़ने आ रहे हैं अभी फुल जोश के साथ। जो नींबू नहीं तोड़ेगा उसको डांट पड़ेगी। ये डंडा बहुत पुराना है, 20-25 साल पुराना है। और ज्यादा पुराना? 10 साल लगी है। अच्छा अच्छा, कोई ना डंडे बगैर। तो अभी आंटी इस साइड, आंटी दिखाना कितने तोड़े ये। तो अभी छोटा सा पीस भी है एक, किस चीज का? नींबू का ही। नींबू का एक छोटा सा पेड़ और है। कितने लगाए हुए? दो ही है। दो ही है, तब ठीक है। तो चलो नींबू तोड़ते हैं। तो ये इन्होंने गाय भी रखी है और गाय का बछड़ा। और अभी आंटी कहाँ लेके जा रहे हो आप? धान दिखाने। अच्छा धान दिखाने पास से। हाँ हाँ। चलो नानी धीरे धीरे चलो। तो चलते हैं अभी धीरे धीरे। वो एक डाली वाले। तो ये थोड़ा पास से दिखाते हैं आपको ये। ये सारे के सारे खेत कोई कितने कर हो जाएंगे यहाँ से? 9 खेत हैं सिर्फ, बाकी लोगों के हैं। अच्छा अच्छा, तब ठीक है। बनाए हैं राजमा की दाल और चावल। क्या बात है, देसी चावल और राजमा। राजमा नहीं है देसी? देसी। अच्छा तब बढ़िया। ऑटो आ चुका है हमें ले। बाइक आ चुकी है लेने के लिए। ये तो हमें बाय, आराम से जाना। ठीक है आंटी, ठीक है ठीक है। फिर आंटी जी ने ये प्यारा सा सूट दिया है मुझे, बहुत ही प्यारा कलर है।
तो जब ये सिल जाएगा ना निकाल ये, तो इसको सिला के डालेंगे फिर बाद में ये। तो उस टाइम तो ब्लॉग में शूट कर नहीं पाई है ना एकदम से। तो आंटी जी का बहुत बहुत शुक्रिया, ढेर सारा प्यार उनके लिए। तो YouTube फैमिली अभी है शाम का समय और हम जा रहे हैं अभी फिर से घूमने। आज सुबह कहाँ गए थे हम आपने देख ही लिया, तो अभी शाम का वक्त है तो चलिए चलते हैं। और अनूप छत पे बैठा है, तो अरुण चलोगे नहीं? चलो, आपको नहीं बोला, अरुण को बोला ऊपर। तो अभी काजू आ रही है, फिर नेहू आएगी, तो सब के सब जो है साथ में चलेंगे। और साथ में हमारे लड्डू गोपाल जी भी आज घूमी घूमी करेंगे, तो मुझे मौका दिया जाए है ना, इनको तो डेली मिलता है। तो काजू मैं ले लूँ इनको? हाँ जी हाँ। तो चलिए चलते हैं और कान्हा जी के साथ आज घूमी घूमी करते हैं। तो अभी के लिए हम लड्डू गोपाल जी को इधर इसमें रखेंगे झूला, और ये है झूला, तो हाथों से जो है झूला झुलाएंगे। वो स्टडी कर रही है और आंटी मजे से आटा गूंथते हुए। तो आंटी आज क्या बनाया खाने में आपने? दाल चावल सब्जी चपाती। ओके, तो आंटी से आजकल मैं ठीक ठाक अपनी सेवा करवा रही हूँ, आप भी दोगे मौका फिर सेवा करवाने का? कब चलोगे फिर? आपके साथ ही जाने वाली हूँ। पक्का? सच में? तब ठीक है, देख लो आपने यहाँ अब सबके सामने बोल दिया, चलना पड़ेगा आपको, ठीक है? तुम्हारे यहाँ काजू जी क्या कर रहे हैं? ये थोड़ा शर्मीले मिजाज के हैं, है ना? हाँ, तो बताओगे क्या हो रहा है इधर, जरा हमें बताओ, क्योंकि हमने ये सब्जेक्ट पढ़ा नहीं है। कौन सा सब्जेक्ट है ये? ये फैशन डिजाइनिंग का है। फैशन डिजाइनिंग का है, अच्छा, तब आप फैशन डिजाइनर बनना चाहते हो, क्यों? हाँ जी, हाँ जी। ओके, फिर मेरे कपड़े सिल दोगे फ्री में? पक्का? हाँ जी, ओके। तो आपको मैं दिखाना चाहूंगी काजू का वर्क। और काजू फिलहाल के लिए अभी इनकी कोचिंग क्लासेस चली हुई है ना, ये सिखाते हैं ये सारी चीजें, ये पॉकेट आ गई और फ्रॉक टाइप कुछ। ये फ्रॉक टाइप है ना, स्कूल की ड्रेस नहीं होती नीचे से वो, ये वो है स्कर्ट। हाँ, स्कर्ट सब कुछ है। और अभी के लिए फिलहाल ये ग्लू से चिपका रहे हैं डिजाइन को। तो आप कहाँ से कर रहे हो? पठानकोट से। पठानकोट से, ओके। हमारी समझ में नहीं आएगा वो, क्योंकि हमें